चुनाव हुए जिसमें समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। तो अब चर्चा हो रही है राज्यसभा चुनाव के लिए, जिसमें राज्यसभा के लिए 23 मार्च को होने वाले चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में विधायकों संग बैठक की। इस बैठक में सपा के 47 विधायक में से 40 विधायक ही मौजूद रहे। जसवंत नगर सीट से विधायक और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा 6 और विधायक भी यहां पर नहीं पहुंचे। खबर आ रही है कि शिवपाल सैफई चले गए हैं और शाम को होटल ताज में होने वाली डिनर में भी शामिल नहीं होंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी बसपा के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को राज्यसभा भेजने के लिए वोटों की गणित लगा रही है। इसी क्रम में आज शाम होटल ताज में डिनर का भी आयोजन किया गया। इस डिनर में सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद सहित सभी निर्दलीय विधायकों को न्योता दिया गया की तरफ से आयोजित इस डिनर में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को भी निमंत्रण दिया गया। हालांकि शिवपाल और राजा भैया के पहुंचने पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच कहा जा रहा है कि बाबागंज से निर्दलीय विधायक विनोद सरोज इस डिनर में शामिल होंगे। विनोद सरोज राजा भैया के बहुत करीबी माने जाते हैं। गौरतलब है कि यूपी में राज्यसभा के लिए 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। मौजूदा स्थिति में बीजेपी के 8 प्रत्याशियों की जीत, जबकि सपा अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजेगी। बाकी बची एक सीट पर बीजेपी ने अनिल अग्रवाल और बसपा के भीमराव अम्बेडकर के बीच मुकाबला है। दरअसल राज्यसभा की एक सीट के लिए 37 वोट चाहिए। वोटों के गणित के हिसाब से सपा के जया बच्चन के 37 वोट के बाद उनके पास 10 विधायक बचेंगे। बसपा के 19 और कांग्रेस के 7 विधायक मिलकर ये आंकड़ा 36 पहुंचाता है, जबकि बीजेपी समर्थित अनिल अग्रवाल को जीत के लिए 9 वोट जुटाने होंगे। वहीं सपा से बीजेपी में शामिल हुए सांसद नरेश अग्रवाल ने ऐलान किया कि उनके बेटे और सपा विधायक नितिन अग्रवाल बीजेपी को वोट करेंगे। ऐसे में बीजेपी को एक वोट का फायदा तो बसपा खेमे को एक वोट का नुकसान है। इधर सपा की नजर बीजेपी से नाराजपुर सांसद रमाकांत यादव के विधायक बेटे के वोट पर भी टिकी है। नजर में 3 निर्दलीय, 1 रालोद और निषाद पार्टी के 1 विधायक पर भी है।